नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं, मैं हूं स्मित त्रिपाठी। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया। जी हां, मौजूदा भारतीय राजनीति में ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती है, जहां चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दल और नेता वादों की तो जमकर बरसात करते हैं, लेकिन उसका राज्य की आर्थिक सेहत पर कितना असर पड़ेगा, प्रदेश पर और कितना कर्ज बढ़ेगा, इसका ख्याल शायद ही किसी को नहीं होता। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां चुनाव के दौरान नए जिलों के ऐलान की एक परंपरा सी बन गई है। जहां बीते 24 सालों में 10 नए जिले बनाए जा चुके हैं, वहीं 11वें की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कई नए जिले बनाने की मांग जोर पकड़ रहे हैं। आलम यह है कि प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान महज 40 दिन में ही 4 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी गई थी। बेशक नए जिले बनाने के कई लाभ भी हैं, छोटे जिले बनाने पर विकास की राह बड़े जिले के मुकाबले आसान होती है। वहीं छोटे जिलों में गुड गवर्नेंस और फास्ट सर्विस डिलीवरी से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। मध्य प्रदेश में नए जिलों की बहार, कर्ज बेशुमार के इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ में पुरानी सरकार की योजनाओं को बंद करने और उनका नाम बदलने पर जारी सियासी घमासान की। जहां बीजेपी की साय सरकार ने मोर संगवारी योजना की शुरुआत की है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। विपक्ष कहना है कि ये योजना बघेल सरकार में मोर मितान योजना के नाम से शुरू हुई थी, जिसको साय सरकार नाम बदलकर शुरू कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार का यह मानसिक दिवालियापन है, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि मोर संगवानी योजना की शुरुआत करने से आम नागरिकों को काफी सुविधा मिलेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे बदला नाम अब होंगे काम के इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करके नई योजनाओं की शुरुआत करने का दौर जारी है। इसी सिलसिले में अब साय सरकार ने नागरिकों की सुविधाओं के लिए मोर संगवारी योजना की शुरुआत की है, जिसे लेकर सूबे में सियासी घमासान भी छिड़ गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि नागरिकों की सुविधाओं के लिए योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलील है कि बीजेपी सरकार रचनात्मक कार्यों में पूरी तरह से विफल है और यही वजह है कि वो पुरानी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर अपना काम चला रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मोर संगवारी योजना पर सियासी घमासान, बदला नाम अब होंगे काम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में सरकार के बदलने के साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को बंद करने और उनका नाम बदलने का दौर भी जारी है। इसी सिलसिले में अब साई सरकार ने कांग्रेस की बघेल सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई मोर मितान योजना का नाम बदलकर मोर संगवारी योजना रख दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने राज्य की 4 नवगठित नगर पालिकाओं मंदिर हसौद, बांकी बोंगरा, लोरमी और पंडरिया में मोर संगवारी योजना का विस्तार भी किया। उन्होंने लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में चारों नई नगर पालिकाओं में योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मोर संगवारी अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। मोर संगवारी के अंतर्गत विभिन्न विभागों की 27 प्रकार की शासकीय सेवाओं जैसे राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड के लिए टोल फ्री नंबर 14545 भी जारी किया गया। इस योजना के माध्यम से इन नगरी निकायों के लोगों को ये प्रमाण पत्र बनवाकर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उसका कुछ जो नए नगर पालिका बने हैं वहां पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है, इसका शुभारंभ हो रहा है। दरअसल पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 1 मई 2022 को मोर मितान योजना शुरू की थी, जिसके तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र समेत अन्य 13 सेवाएं घर बैठे मुहैया कराई जा रही थी। वहीं इस योजना को नाम बदलकर विस्तार करने पर कांग्रेस ने साय सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा है कि योजनाओं का नाम बदलना सरकार के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में सरकारी विभागों में काम करने की संस्कृति ही बंद हो गई है। पुरानी सरकार ने जिस योजना को, जिन उद्देश्यों को लेकर चालू किया था, आम आदमी को विभिन्न प्रकार के जो सर्टिफिकेट थे, विभिन्न प्रकार के जो
सरकारी दस्तावेज थे उनके घर तक पहुंचाने के लिए योजना चालू की गई थी, लेकिन 6 महीने में तो इसको बंद कर दिया गया है। बहरहाल सूबे में योजनाओं के नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान जारी है। एक तरफ सरकार का दावा है कि नागरिकों की सुविधाओं के लिए योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की दलील है कि बीजेपी सरकार रचनात्मक कार्यों में पूरी तरह विफल है और यही वजह है कि वो पुरानी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर अपना काम चला रही है। बहरहाल राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप के बीच देखना दिलचस्प होगा कि इस योजना का वास्तविक लाभ हितग्राहियों को कितना मिल पाता है। मयंक शुक्ला के साथ रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने हमारे साथ मौजूद हैं सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजय त्रिपाठी जी हैं, स्वराज एक्सप्रेस के संपादक। सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निश्चित तौर पर बीजेपी प्रवक्ता से ही बात कर लेते हैं। चौधरी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी चौधरी साहब, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि पुरानी योजना था उसका नाम बदल दिया है केवल, तो अगर पुरानी योजना का नाम ही रहने देते और ये काम करते और अच्छे से करते, सुचारू रूप से करते, तो कोई दिक्कत थी क्या? जी राम राम, जय जोहार जी। देखिए योजना पुरानी हो नई हो, कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो जनता के लिए अति आवश्यक है जी, और ये जो जिस प्रकार की सेवा प्रारंभ हुई है इसमें नई तकनीक का उपयोग करते हुए और सुधार के साथ में इस योजना को यहाँ पर प्रारंभ किया गया है और इसमें बहुत सारी और चीजों को जोड़ा जा रहा है कि जिस प्रकार से आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने कहा विधानसभा में कि पुलिस के ट्रांसफर के विषय में भी एक ऐप बनाया जाएगा और अब उनको किसी नेता मंत्री के पास चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, आप वहां पर आवेदन करिए और आपका काम हो जाएगा। वैसे ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने कहा कि रजिस्ट्री जो है वो अब हम उसको भी ऐप के माध्यम से करेंगे, उसका सरलीकरण करेंगे। उसी प्रकार से ये जो मोर संगवारी योजना है इसमें भी बहुत सारी चीजों को जोड़ करके नई तकनीक के साथ और उसमें आसानी से काम हो, लोगों को प्रमाण पत्र जो है वो घर बैठे मिले, समयबद्ध तरीके से मिले। पहले टेलीफोनिक माध्यम से होता था और उस माध्यम से भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, उसमें भी काम हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी जो खामियां थी उन खामियों को लेकर के उसमें आगे और जाकर के काम किया जा रहा है और आम जनता को जो उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए बेहद आसानी से कि आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, राशन कार्ड में नाम जोड़ाना है, नाम कटाना है, नए राशन कार्ड बनाने हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, विवाह प्रमाण पत्र बनाना है, पैन कार्ड आपको बनाने हैं, ऐसी विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, नगर निगम से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है और राज्य सरकार से संबंधित बहुत सारी, तो इसका विस्तार जो है वो करके और उसको तकनीक से जोड़ करके कि आम जनों तक के सुविधा जो है वो मुहैया कैसे हो जाए कि योजना का लाभ जो है आम जनमानस को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन पुराने नाम में भी तो नई तकनीक जोड़ सकते थे क्या? मोर संगवारी, पुराने नाम में भी नई तकनीक जोड़ सकते थे। देखिए नाम का विषय नहीं है, अगर नाम बदलने की बात पर यदि हम करें तो अपन याद करेंगे कि इनके समय में तो इनके मुख्यमंत्री ये कहते थे कि प्रधानमंत्री आवास में हम इसलिए पैसा नहीं देंगे कि इसमें तो प्रधानमंत्री लिखा हुआ है और इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू कर दी। उसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम बदलने की कोशिश वो लोग किए, कमल विहार का नाम बदल करके कौशल्या विहार, ये नाम बदलने की पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, हम इसमें कुछ अच्छी तरीके से काम करना चाह रहे हैं और नाम बदलने का कोई विषय आना भी नहीं चाहिए। विषय यह है कि आम जनता को सुविधा कैसे मिले और वो सुविधा का अपग्रेडेशन होना चाहिए कि और आगे अच्छे से अच्छा और कैसे काम कर पाए, इस विषय को लेकर के काम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा वंशाली जी, आपने सुन लिया चौधरी साहब को कि अच्छे से अच्छा जनता को सुविधा मिले, हालांकि हमने उनसे सवाल किया कि पुराने नाम पे भी अच्छी सुविधा दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने, आपने सुन ही लिया क्या कहा उन्होंने, और बहुत सारे पहले टेलीफोन के माध्यम से होता था लेकिन अब उसमें बहुत सारे, और उन्होंने और कई उदाहरण दे दिए कि अब पुलिस का ट्रांसफर भी बड़े आराम से हो सकेगा, अन्य अन्य कई तरह की बातें। इस पर तो एक ही बात याद आती है त्रिपाठी जी की, नई सरकार की यही कहानी, नया कैलेंडर, कील पुरानी, कील हमने ही ठोकी थी, ये योजना हमने ही शुरू की थी। मुझे मेरे साथी प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताया कि मितान
और संगवारी में क्या अंतर है जी? दोनों का अर्थ तो एक ही है, इसका अर्थ होता है मित्र। आज सिर्फ इसकी वजह से कि ये योजना कांग्रेस ने शुरू की थी और ये मुख्यमंत्री मितान योजना थी, इसलिए ये सरकार बनने के बाद से, दिसंबर के बाद से लेकर अभी 2024 जुलाई तक के ये योजना इनके शासनकाल में बंद थी। 6 महीना इन्होंने इस वजह से बंद रखी क्योंकि हमने शुरू की थी। बेशक आप कांग्रेस पार्टी का विरोध करिए, बेशक आप हमारे निजी हमले करिए हम पर राजनीतिक रूप से, मगर ऐसा कोई काम मत करिए भाई कि जो योजनाएं चल रही थी जन कल्याणकारी योजनाएं उनका नाम बदल दीजिए, उनको बंद कर दीजिए। इसलिए बंद कर दीजिए क्योंकि इसको कांग्रेस ने शुरू किया था। तो ये ऐसा लगता है कि इनके पास रचनात्मक कार्य करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इस तरीके का नाम बदल बदल कर, ये योजनाओं का नाम बदल बदल कर ये बताना चाह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। सेम नंबर है त्रिपाठी जी, नंबर तक नहीं बदला है। अभी ऐप की बात कर रहे हैं, ये ऐप कब आएगा क्या आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है भाई। सरकार ने ये योजना शुरू ही आम जनता के हितों के लिए की थी, डे वन से सोचना था इनको कि भाई ये योजना कांग्रेस तो मोर संगवारी योजना, भले आपके समय योजना शुरू हुई हो लेकिन मोर संगवारी योजना है तो अच्छी योजना ना है, अच्छी योजना मोर संगवारी योजना बहुत बढ़िया योजना है जी भाई। हम इसका रोड मैप हमने बनाया, इस योजना को हमने बनाया, लागू हमने किया, सिर्फ नाम इसलिए बदल रहे कि कांग्रेस ने बनाई है। हमारी मुख्यमंत्री मितान योजना को बदल कर इन्होंने क्या संगवारी योजना कर दिया, मुख्यमंत्री भी हटा दिया। ये तो अच्छा है कि दीनदयाल संगवारी योजना नहीं कर दिया, कोई ठिकाना नहीं है इनका, ये कुछ भी कर सकते हैं। पूरे देश में सारे हवाई अड्डों का नाम भी पता चला तो ये आरएसएस और भाजपा के नेताओं के नाम पे कर देंगे, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा नाम पर गांधी परिवार के नाम पर कितना है जरा इसको भी पता कर लीजिए। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने, राजीव गांधी जी के नाम से बहुत सारी योजनाएं वहां शुरू हुई। योजना का नाम योजना बंद नहीं हुई, लगातार काम चल रहा था और करना था तो 7 महीना यार क्यों घुमाए सब। ना ना ना, 7 महीने से योजना बंद है, कोई योजना बंद नहीं है, लगातार काम हो रहे हैं। चलिए योजना साहब बाबूलाल बिल्कुल भंसाली जी मैं फिर से आता हूँ, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, दोनों योजनाओं में आप तो पिछली योजना को भी देखें, नई योजना में क्या करने जा रहे हैं ये भी देखें, दोनों योजनाओं में कोई अंतर आपको दिखता है क्या? योजनाओं में अंतर तो नहीं दिखता है, काम वही हो रहा है, थोड़ा विस्तार जरूर किया गया, कुछ कामों को बढ़ाया गया है जी, कुछ क्षेत्र को बढ़ाया गया है। मोर संगवारी योजना हो चाहे मोर मितान योजना हो जी, बेहतर ये होता कि मोर मितान योजना ही नाम रहने देते जी, और उसमें जो है सारे काम जो है अच्छे ढंग से करते जी। तो लोग कम से कम कंप्लेंट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के समय से अच्छा काम किया इस योजना में जी, ये और ज्यादा अच्छा होता कि कंप्लेंट करते लोग कि भाई कांग्रेस ने इसमें काम बहुत अच्छा नहीं किया, जैसा कि बीच में हो गया था, स्थिति थोड़ी गड़बड़ा गई थी मोर मितान योजना में, फिर बाद में फिर संभाला गया, तो उस तरह से जो है कंपेरिजन करते लोग कि भाई आज जो है आज की सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है मोर मितान योजना में जी। लेकिन इसीलिए ये शंका उत्पन्न हुई, इसीलिए ये मुद्दा उत्पन्न हुआ कि मितान योजना को संगवारी नाम एक ही है, मितान और संगवारी में कोई खास अंतर नहीं है जी। लेकिन ये नाम बदलने से ही मुद्दा बना है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की को रखे हुए नामों में गुरेज है जी, भाई कहीं हम इसको इस योजना को इसी नाम से चलाएंगे तो कांग्रेस की छवि दिखेगी उसमें, कांग्रेस की कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की छवि दिखेगी, ग्रामीण योजना की छवि जो है वो भूपेश बघेल की जो बनी हुई थी वो दिखेगी, लोग उसी को याद करेंगे। ये सोच जो है ये मुद्दा इसलिए उठा कि नाम बदला गया। इसके अलावा मुझे कुछ अच्छी बात है, विस्तार किया गया है, कुछ क्षेत्र को जोड़ा गया है। मैं तो कहता हूं ना कि गौठान योजना जैसी अच्छी योजना है उसको भी कोई दूसरा नाम दे दीजिए आपकी इच्छा हो तो, लेकिन उस योजना को बना चलाइए, क्योंकि गौ जो है आज सड़कों पे घूम रही है, मारी जा रही है, तो उसका निजान थोड़ा सा निजात मिलेगी हमको। ये इस तरह जो अच्छी योजनाएं हैं अब नाम बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी नाम से चलाएंगे तो लोग कंपराइड करेंगे कि देखो ये कांग्रेस से अच्छा चला रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा होता, ये मेरी समझ बनती है जी। जी चौधरी साहब ठीक है नाम बदल लीजिए, उन्होंने शर्मा जी ने और कुछ सुझाव दिया है गोठान योजना को, फिर उसका क्या नाम देने वाले हैं गोठान योजना का? योजना बंद कर दीजिए जो हमने चालू की थी। देखिए
सुझाव जो दे रहे हैं बाबूलाल भैया वो वरिष्ठ है, वो उसी चीजों को समझते हैं। लेकिन मैं बताता हूं आपको, ये योजना प्रारंभ हुई 2022 में, 2022 में जोर शोर से मितान योजना प्रारंभ हुई। उसके बाद ये भी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई थी, लोग आते नहीं थे, जो लोग आते थे वो पहले बोलते थे 3000 लगेगा, चॉइस सेंटर में जाकर भी 3000 लगेगा और वो घर आकर के भी 3000 ले रहे हैं, 4000 ले रहे हैं। तो ये स्थिति उत्पन्न है। देखिए मैं तो फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, और गौठान के विषय में कह रहे थे वो भी ऐसा विषय नहीं है। मैं चूंकि मैं जनता से जुड़ करके काम करने वाला जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि फील्ड में क्या होता है। देखिए सब जुड़े हैं, आप भी जुड़े हो, लेकिन इस योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला होने लगा था। इन लोगों ने जिनको मितान बनाया वो कहीं चौधरी साहब इसको मोर संगवारी नाम दे देने से क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? मोर संगवारी नाम दे देने से क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? मोर मितान की जगह बहुत बहुत सही प्रश्न, बहुत सही प्रश्न आप करें, यही पॉइंट है। आपके साथ रहता हूं तो सही ही करता हूं। देखिए इनके में कॉल करने से व्यक्ति घर आता था, ना मैं बता रहा हूं इसको, अंतर बता रहा हूं आपको। इनके में कॉल किया, घर आया और बोला डॉक्यूमेंट्स बनाइए, फिर उसके बाद पैसे की डिमांड। अभी ऐप आएगा, ऐप जो होगा भंसाली जी आप ही के पास आ रहा हूं, भंसाली जी आप ही के पास आ रहा हूं, आपके मोबाइल में सब भंसाली जी आपके पास आ रहा हूं, आपके मोबाइल में आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई मोबाइल में भी कर सकते हैं, सारा कुछ रहेगा, सारा कुछ रहेगा इसमें। अरे जितने जानते उतने जानने वाले लोग करेंगे। मैं वही बोला, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। भ्रष्टाचार था इसमें, जो योजना में पलीता लगा उसको ठीक करने के लिए ये कोशिश है। और इसमें आगे भंसाली जी एक मिनट, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप अपनी बात रखिएगा, अपनी बात रखिएगा, सब ठीक किया जाए, आप ही के पास आ रहा हूँ, उनकी बात आ जाए, अभी बहुत समय है, बहुत समय है आपके पास, बहुत समय है। चौधरी साहब बोल रहे हैं, आप ही के पास आ रहा हूँ, आपके पास बहुत समय है। जी ये भ्रष्टाचार कर, जी 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 बोलिए चौधरी साहब। भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में ही योजना बनाते थे, इनकी सारी योजना वो बनती थी कि भ्रष्टाचार कैसे करना है, और या तो फिर योजना के बाद भ्रष्टाचार का रास्ता ही ढूंढ लेते थे, दोनों बात है। तो कुल मिलाकर के हम जो आ रहे हैं वो एकदम पारदर्शी तरीके से, आपके पास सब कुछ रहने वाला है, आप पूरी पारदर्शिता से देखेंगे। अरे ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े बड़े काम करने वाले हैं लोग, पुलिस के लिए हमारे विजय शर्मा जी ने घोषणा की है कि अब आप ऐप में आकर के सीधा आप जो पुलिस के हमारे भाई हैं वो डाल देंगे, भैया 10 वर्ष मुझे यहाँ हो गया, 3 वर्ष का फाउंडेशन था या 5 वर्ष का था, उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, उनको कहीं अप्रोच की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सुधारों की दिशा में बढ़ रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है चौधरी साहब, उसमें फिर मुझे लगता है कि जो इतनी बढ़िया आपने योजनाएं शुरू कर रहे हैं तो कुछ दिनों बाद विभाग के मंत्रियों की भी लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। भंसाली जी अब बोलिए आप क्या कह रहे हैं, झूठ कहते भ्रष्टाचार होता था इसलिए नाम बदल दिया। मुझे एक प्रकरण बताओ त्रिपाठी जी, 1 मई 2022 को ये योजना शुरू हुई और 23 के दिसंबर में तो इनकी सरकार बन गई, मुझे बताते ऐसा कौन सा प्रकरण है जिसमें किसी ने हमारे अधिकारी कर्मचारी ने मितान योजना के तहत काम कराने के लिए जाकर किसी अभ्यर्थी से या किसी जनता के तहत किसी से जाकर पैसे मांगे? कभी कोई ऐसी शिकायत ही नहीं, तो अपना वही कोई शिकायत ही नहीं आई, जनता ने कोई शिकायत नहीं आई। अब इनको क्या करना है, सिर्फ हमारी योजनाओं की बुराई करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है? तो मैं कह रहा हूँ चौधरी साहब आप सुन लीजिए, उनकी बात आ जाए, चौधरी साहब आपने अपनी बात रख ली, राजनीतिक रूप से जो बोल सकते हो बोलो, छूट है। पर यार अच्छी योजना है जो चल रही है उस पर राजनीति मत करो। चलो चौधरी साहब बोलिए, बोले काम चल रहे उस पर राजनीति मत। भंसाली जी बोलिए आप आगे। कल्याणी कार्य में ही तो भ्रष्टाचार था, लोक कल्याणकारी कार्य में ही भ्रष्टाचार था, इसीलिए सरकार गई। उनको हर जगह तो करप्शन चल रहा है जी। अब ये एक हर जगह करप्शन चल रहा है, 25 रूपए का आरोप लगा के 30 रूपए ले रहे हैं। ये एक बता दे, अगर ऐसे मिलिंग में अलग पैसा ले रहे हैं, कोयले में अलग पैसा ले रहे, कुछ नहीं बचा तो ये पॉलिसी बना दी आज, जगह जगह पे हाथ में फोड़ दिए, जगह जगह पे
बाहर किया था। हर गली चौराहे पर जनता ने जवाब दे दिया था, शराब पीने के लिए जवाब दिया था। शराब के मामले में विदेश की जेल तक पहुंच गए हैं, इन्हीं के कुछ खास लोग हैं, खास लोग हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और पूरा चले शराब का आप लोग नाम ले रहे हैं बार बार, गड्ढा खोद खोद के सबूत निकल रहे हैं। चलिए भंसाली जी ने शुरू में खोद रहे हैं, भंसाली जी ने शुरू में सबको भंसाली जी आपने शुरू में एक कहावत कही थी कि नया कन्नड़ पुरानी की, लेकिन ये जो आप नाम ले रहे हैं वो भी एक कहावत है जिसकी आपने बंदी नहीं की। घोषणा पत्र में कहा था कि इसकी बंदी करेंगे, उसको बंदी नहीं की प्रदेश में। भंसाली जी तो ये तो हमने बंदी नहीं की, तो ये तो विस्तार कर रहे हैं। आप इनको भी तो पूछिए, इनके कई प्रवक्ताओं ने त्रिपाठी जी आपके स्वराज एक्सप्रेस में भी, बंसल में, जी में, आईबीसी में, मैं जितने डिबेट में बैठा हूं, इन्होंने शराबबंदी पे बात की। हमने कहा हमने कमेटी बनाई है और हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कहे इन्होंने शराबबंदी नहीं की। मैंने कहा आप करेंगे? हाँ हम करेंगे, एक बार नहीं 100 बार बोला है इनके प्रवक्ताओं ने और इनके नेताओं ने। अब इनसे पूछिए, अभी सरकार में ये है, जवाबदेही इनकी है, जगह जगह पे अहाता खोल दिया है बोलने के लिए, क्या सारे इनके कार्यकर्ताओं नेताओं का हाथा मिला है, प्लास्टिक के टेंट लगाकर वहां पर डिस्पोजल ग्लास में खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। अपराध बेलगाम है छत्तीसगढ़ में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे इंटरनेशनल गैंग छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं। दिन दहाड़े 11 बजे सुबह गोलियां चल रही है राजधानी रायपुर में, ये इनकी उपलब्धि है 7 महीने की। जी चलिए शर्मा जी, निश्चित तौर पे अलग अलग योजनाएं, भूपेश सरकार में भी कुछ अच्छी योजनाएं थी, योजनाओं में भ्रष्टाचार होना अलग बात है, लेकिन योजनाओं का नाम बदल करके फिर वही योजना शुरुआत करना, ये थोड़ा सा राजनीति में एक परंपरा सी बन गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, एक बात बहुत बढ़िया कही थी बीच में जी, ये कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ी हो रही थी उस नाम के योजना में, इसलिए हमने नाम बदल दिया जी। आप कह रहे हैं गड़बड़ी हुई तो आप ठीक कर ले करके उसको चलाइए ना भाई जी, भ्रष्टाचार खत्म हो कर दीजिए, रिजल्ट ले आइए आप अच्छा, उसी उसमें क्या फर्क पड़ेगा, नाम वही रहेगा तो। लेकिन अगर आपने नाम बदला है, मैं तो फिर सलाह दूंगा जी कि अगर नाम बदल देने से भ्रष्टाचार खत्म होता है तो मेरी सलाह है सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं, सबका नाम बदल दीजिए और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। इससे बढ़िया क्या होगा, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए गोठान का एक बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कारण जो है गोठान में, ठीक गड़बड़ी हुई तो आप सुधार लीजिए ना, गोठान में गड़बड़ी हुई आप कहते हैं भ्रष्टाचार, आप उसको सुधार लीजिए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना गड़बड़ी के आप उसको चलाइए। उससे कितने ग्रामीण लोगों को लाभ हो रहा था, महिलाओं को आधुनिक जो है कंडे बन रहे थे, अगरबत्ती बन रही थी, लकड़ी की स्टिक बन रही थी जो शमशान में काम आती है, बहुत सी कमाई हो रही थी। उस तरीके से जो आदर्श गौठान थे उसके बरोबर के सारे गौठान को आप बना दीजिए, भ्रष्टाचार मत करिए, आप उस भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए। तो अच्छी योजनाएं जो, जैसे बिजली बिल लाभ आपने चालू रखा, जारी रखा, लेकिन हिडन टैक्स लगा दिए बहुत सारे, ऐसा मत कीजिए। आप गौठान जैसी समस्या योजनाओं को, और भी योजनाओं को अपना नाम दे दीजिए, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार खत्म करके आप उसको चलने दीजिए, क्या बुराई है इसमें जी। सिर्फ गोठान योजना का बहुत बढ़िया आपने कहा कि उसकी शुरुआत फिर से की जाए, अच्छे से की जाए। अजय त्रिपाठी जी, आपके इस पूरे मुद्दे पे आपके हमें एक विशेष टिप्पणी। देखिए दोनों की बहस से साफ लगा कि योजनाएं बार बार बदलने से कोई बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। हमने केंद्र में भी देखा, देखिए अंत्योदय योजना वही चल रही है, 5 सूत्री कार्यक्रम योजना जो चल रही है, इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ तब पे, आज भी 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, सारी सरकारें चला रही हैं। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चलाई गई, उसका एक्ट बना दिया गया, वो योजना जिसका तस काम करी। तो यह आपस की राजनीति करने के निजी स्वाभाविक रूप से पिछली सरकार ने भी, भूपेश बघेल सरकार में भी, जो आप बात कर रहे थे बाबूलाल जी की गोठान योजना बहुत अच्छी थी, रीपा में भी बहुत सारे काम बहुत अच्छे अच्छे हो रहे थे। आप प्रोजेक्ट के नाम मत बदलिए, उसमें कुछ कंटेंट जोड़ दीजिए तो शायद मेरे ख्याल से पब्लिक में मैसेज बेहतर जाएगा। नाम बदलने भर से एक, आप बहुत ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं तो भी एक संदेह के दायरे में तो आप खड़े हो जाते हैं, ये बार बार सवाल उठता है। समय भी समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब आपका, भंसाली जी आपका, बाबूलाल शर्मा जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और भाग लेने के लिए। तो आज हमने चर्चा की शायद सरकार द्वारा शुरू की गई मोर संगवारी योजना की, योजना का सीधा लाभ जनता तक
कितना पहुंचेगा यह तो बात की बात है, मगर योजना का शुभारंभ करते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले दिन से ही शुरू हो गया है। विपक्ष इसे पुरानी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना की नकल बता रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे जिन्ह तैसी योजना निरूपित कर रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष के पास आरोप लगाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो इस तरह के हल्के आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की, आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां जिलों की बाहर है तो कर्ज भी बेशुमार है। लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।